हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले एक ऑर्डर हम यहाँ पे अपना प्लेस कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों से काफ़ी सारी बात करनी है मुझे। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 51,700 की पीई मैंने निकाल ली है। करंटली इसका प्राइस अगर हम देखें तो 325 के आसपास चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मुझे 320 से 325 के आसपास मिल जाए। और चार लॉट में मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ, यानी कि 60 क्वांटिटी। तो यहाँ पे प्राइस मैंने एंटर कर दिया है एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप लोगों को पता ही है कि वही 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस होगा एंड 150-150 पॉइंट का अपना टारगेट होगा। तो जल्दी से इसको पहले एग्जीक्यूट करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें किस प्राइस पे मिलता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है एंड प्राइस की अगर बात करें तो 329 के आसपास हमें ये मिला है। हालांकि अगर 325 या 320 मिलता तो और भी बेस्ट प्राइस होता। अभी करंटली आप देखेंगे हमें 100-200 रुपये का लॉस दिखा रहा है, तो वेट करते हैं इस पोजीशन में, देखते हैं आगे कितनी देर लगती है इसको प्रॉफिट में आने में और कहाँ तक ये हमें प्रॉफिट दिखाता है। ओके, सो गाइस, करंटली हमारी पोजीशन जो है अराउंड 500-600 के प्रॉफिट में आ गई है और इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तब तक आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैंने वीडियोस क्यों अपलोड नहीं की, क्या रीज़न था, या मतलब लॉसेस हो रहे थे इस वजह से किया या फिर जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया था जिस वजह से मैं उस पर यूट्यूब की वीडियोज़ पर फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है और जो हमारे ट्रेड हैं वो मैंने कंटिन्यूसली रखे हैं, उनको स्टॉप नहीं किया था। बस खाली वीडियो अपलोड करना मैंने बंद कर दिया था, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टा हो, मतलब कहीं भी मैं वीडियोस अपलोड कर ही नहीं रहा था। अभी फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और अपने मेंबर्स भी काम कर रहे हैं पूरा एकदम प्रॉपर्ली जैसे पहले करते थे, सेम मैं भी कर रहा हूँ। और बस वीडियो मुझे बनानी थी तो मैं अब आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 अगस्त से मैं ये फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी होंगी रेगुलर बेसिस पे, मैं अगर जिस दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा तो टेलीग्राम आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली का अपडेट मिलता ही है कि मैंने प्रीमियम ग्रुप में कौन सा ट्रेड किया और कौन सा करवाया। तो यही एक रीज़न था जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, बट अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहें। ओके, सो गाइस, प्रॉफिट बढ़ के हमारा 1000 प्लस हो चुका है एंड टाइम की बात करें तो अराउंड 9:40 हो रहे हैं, यानी कि हमें इस ट्रेड में अभी 10 ही मिनट हुए हैं। 9:30 के आसपास मैंने ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था, तो वेट करते हैं, देखते हैं और कितना आगे लेके जाता है ये हमें। ओके, सो गाइस, टाइम की बात करें तो अराउंड 9:55 हुए हैं और प्रॉफिट की बात करें तो 3000 प्लस हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो इसने अराउंड अभी 3200 प्लस का प्रॉफिट हमें शो कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके अब ऑन कॉस्ट पे रख दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसने मुझे 50 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट दे दिया है। और जैसी कि अपनी कंडीशन होती है हमेशा कि जब भी हम 50 पॉइंट के प्रॉफिट में आएंगे तो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे हम रख देते हैं। तो वेट करते हैं यहाँ से SLN कॉस्ट हिट होता है या फिर हमारा टारगेट अचीव होता है। अभी हालांकि टारगेट हमारा बहुत दूर है, अभी हमें सिर्फ 50 पॉइंट ही मिले हैं और हमें पूरा 150 पॉइंट तक इसको वेट करना है। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि 150 पॉइंट के प्रॉफिट में अगर मैंने 60 क्वांटिटी ले रखी है तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। टाइम हो रहा है अराउंड 10:07 और बैंक निफ्टी ने फिर से अपना नया लो लगा दिया है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5000 प्लस हो चुका है और हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें तो अभी तक इसने 5400 के आसपास का प्रॉफिट हमें शो कर दिया है, जो कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी ने अपना डे लो एक दो बार और भी अगर ब्रेक कर दिया तो फाइनली हमें जो है हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं आगे जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी। ओके, सो गाइस, मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 6000 के आसपास दिखाने के बाद सडनली मार्केट में रिवर्सल आया है और हमारा जितना ही प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा चला गया है एक ही रिवर्सल के अंदर। अभी यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट जो 6000 से था वो कम होकर कोई 800-900 या 1000 रुपये के आसपास का आ गया। बट यहाँ पे स्टिल हम वेट करेंगे, या तो अपना टारगेट लेंगे या फिर SLN कॉस्ट लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाने वाले हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ओके, सो गाइस, टाइम हो रहा है अराउंड 12:28 और प्रॉफिट बढ़ के हमारा 6000 प्लस हो चुका है। ये 6500 तक का इसने हाई दिखा दिया है और ये सेकंड टाइम हाई लगा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था तो वहाँ पे इसने 6000 का हाई लगाया था और उसके बाद सडनली इसने जो है वही 700-800-900 रुपये का प्रॉफिट हमें शो कर दिया था। बट लकीली हमारा इसने जो है वो स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट हिट नहीं किया और फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी 12:30 हो गए हैं। अब आप लोग कैलकुलेट कर लो कि मुझे मॉर्निंग से कितने घंटे हो गए हैं इसमें होल्ड किए कि अभी देख सकते हैं आपके सामने इसने 8000 का प्रॉफिट भी शो कर दिया है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 8000 तक इसने टच कर दिया है। तो स्टिल वेट करेंगे, अब यहाँ से हमें ज़्यादा दूर नहीं है हमारा टारगेट, कुछ ही पॉइंट्स की बात है। तो जैसे ही टच होता है तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इसमें बुक हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी को। ओके, सो गाइस, टाइम हो रहा है 2:06 और प्रॉफिट मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 8600-700 रुपये तक का प्रॉफिट इसने शो कर दिया था। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन हो ही गया था बट दो पॉइंट से इसने मेरा ऑर्डर जो है मिस कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टारगेट लगा रखा है मान लो 480, तो ये 477 या 78 से रिवर्स हो गया। सिर्फ एक या दो पॉइंट से टारगेट इसने मिस कर दिया है हमारा और वहाँ से हाइएस्ट प्रॉफिट के बाद इसने अभी ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा कम कर दिया है, 3350 के आसपास का। बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल हम इसको होल्ड करेंगे क्योंकि
हमारी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हो रही है, या तो SLN कॉस्ट जाना चाहिए या फिर हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। तो स्टिल वेट करते हैं। अगर आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, आपने जिस तरीके से काम करते हो मार्केट में, सेटअप पे काम करते हो, और मार्केट अगर आपका पेशेंस को चेक कर रही है, तो फिर वहाँ पे आपको मार्केट के अंदर घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने घबराना शुरू किया, समझ लो कि मार्केट के आगे आप हार गए उसी टाइम पे। तो अगर आपका ट्रेड अच्छा है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है स्ट्रेटजी वगैरह के लिए, तो बिल्कुल आपने जो अपनी टर्म एंड कंडीशन सेट की है उनको वेट कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी देर लगती है इसको हमारे टारगेट को टच करने में। हालांकि अगर यहाँ से ये रिवर्स हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगेगा इस चीज़ के लिए कि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है। पर वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है, अपडेट करते हैं आप सभी को। ओके सो गाइस, टाइम हो रहा है 2:25, और एक बार फिर से ये अपने नए हाई को टेस्ट करने जा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 8000 प्लस हो चुका है, और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो करीब करीब 8500 से 8600 के आसपास का प्रॉफिट इसने हमें शो कर दिया है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार हमारा ये टारगेट हिट कर देगा, जो कि 485 रुपये का टारगेट मैंने इसमें लगा रखा है, और स्ट्राइक ऑलमोस्ट वहीं चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमारा टारगेट भी एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि ऑर्डर हमारा जो है वो 485 पे एग्जिट हो चुका है। बाइंग प्राइस 329 था और सेलिंग प्राइस 485 है, जो कि आपको दिख रहा है। और फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो 9339 का प्रॉफिट फाइनली हमने इसके अंदर बुक किया है। अच्छा, अब आज के ट्रेड से आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। प्रॉफिट तो जो बुक हो गया है वो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे अगर प्रॉफिट भी बड़े होते हैं तो फिर मेरे लॉसेज भी कंटिन्यूसली 2-3 दिन लगातार होते हैं, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप ही लोग आके बोलने लग जाते हो कि भाई आपके तो रोज़ ही मतलब SL हिट होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैं टारगेट बड़े लेता हूँ तो SL मेरे कितने भी हिट हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एट दी एंड मंथ के एंड में मैं प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो आज के ट्रेड से आपको ये लर्निंग मिलती है कि अगर आपका ट्रेड सही है, सेटअप सही है, और मार्केट ने उसी तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया है और आपका विनिंग ट्रेड आपका चल रहा है, तो आपको उसमें जब तक बैठना है जब तक कि आपका टारगेट हिट नहीं होता है या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मार्केट के अंदर, क्योंकि जितना आप पेशेंस रखोगे अपने अंदर उतना ही मार्केट में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। अभी होल्डिंग की अगर बात करूँ तो इसको मैंने सुबह 9:30 पर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया था, और एग्जिट कब हुआ है अभी 2:25, यानी कि ऑलमोस्ट 5 घंटे मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। अब इतना होल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये वही कर सकता है जिसके बाद प्रॉपरली बैक टेस्ट हो, उसको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा हो, और एकदम वो स्टिल अपनी स्ट्रेटजी के साथ होल्डिंग में लेके खड़ा होना चाहिए वहाँ पे, या बैठा होना चाहिए, जो भी आप समझो। तो ये सभी गट्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर इतना आप लोग अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप भी मार्केट से पैसा बना सकते हो। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है, क्योंकि पूरा दिन एक ही पोजीशन को लेकर के बैठना कोई मामूली बात नहीं होती है, इतना तो आप भी समझते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही रेगुलर वीडियोस अब मैं कोशिश करूँगा डेली अपलोड करने की। एंड अगर आप भी मेरे साथ इसी तरीके से लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर मेरा सपोर्ट होगा आपको, तो उसके लिए आप लोग जो हैं टेलीग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड जो भी ट्रेडिंग सेटअप होगा, जिस तरीके से भी हम काम करते हैं, वो पूरा एकदम प्रॉपर गाइड करेंगे आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।